हम लोग नहीं बल्कि आप लोग जो है वो भी क्या करेंगे कि हम लोगों के पास यही प्रॉब्लम है डीप कॉपी की, लेकिन अब हमारे पास क्यू जो है वो हमारे पास एरे बेस्ड क्यू है, ठीक है? तो एरे बेस्ड अब हमारे पास क्यू होगी तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एक हम लोग एरे ले रहे होंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब Q2 इज इक्वल टू Q1 करते हैं तो बेसिकली इसका एड्रेस हम लोगों ने डाटा में स्टोर कराया हुआ था, डाटा का जो पॉइंटर था उसके अंदर हमारे पास ये एरे का एड्रेस था। तो जब Q2 इज इक्वल टू Q1 करेंगे तो इंटीजर वैल्यूज तो हमारे पास कॉपी हो जाएंगी, लेकिन ये जो Q2 के अंदर जो डाटा की एरे है उसके अंदर बेसिकली Q1 की डाटा की एरे का एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो अगेन वही मसला है कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, मुझे कोड लिख के जो व्हाट्सएप करना है जिसके अंदर आप मुझे ये जो एरे बेस्ड क्यू है उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर इक्वल टू को जो है वो आप ओवरलोड कराएंगे, ठीक है? तो योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटर इक्वल टू फॉर एरे बेस्ड। ये भी आप लोग करके मुझे जो है ना व्हाट्सएप करते हैं, अगर किसी को की कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। सर ये प्रोग्राम बनाए या सिर्फ पेपर पे बना के सेंड करें? कागज पे सिर्फ जो ऑपरेटर इक्वल टू का फंक्शन है ना वो आप मुझे लिख के भेज दो। ओके सर।